दोस्तों हमारे देहात में एक कहावत कही जाती है कि अगर आपको अपने दुश्मन को कमजोर करना है तो उसके दुश्मन से हाथ मिला लेना चाहिए। और आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका, जो सुपर पावर की गद्दी पे बैठा है, वो इस रणनीति को सबसे ज्यादा अपनाता है। यानी कि दोस्तों कभी भी अमेरिका की किसी भी देश से दुश्मनी हो जाती है तो वो उससे सीधा कभी भी लड़ाई नहीं करता है, वो सिर्फ उसके जितने भी पड़ोसी या फिर उसके भी जितने दुश्मन हैं उनको मजबूत कर देता है। और इस समय में अगर देखा जाएगा तो पूरे एशिया में भारत की जो ताकत है उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे दो पड़ोसी हैं जो कि हमारे दुश्मन है, यानी कि दोस्तों चाइना और पाकिस्तान को, और इन दोनों को कमजोर करने के लिए हमें इनके दुश्मन को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द अगर कोई देश है तो वो है चाइना, क्योंकि चाइना एक पावरफुल देश है और चाइना को अगर कमजोर करना है तो चाइना के जितने भी सरहद से लगने वाले देश हैं उनको मजबूत करना होगा। और इसी को देखते हुए भारत ने एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग करके रखी है। अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत मिसाइलों के मामले में पूरी दुनिया में एक अहम स्थान पे आ चुका है। यानी कि दोस्तों आज भारत के पास इतनी प्रकार की मिसाइलें हैं कि शायद इतनी प्रकार की मिसाइलें अमेरिका के पास भी नहीं होंगी। और इस समय में अगर आप एक चीज का गौर करेंगे तो चाइना और ताइवान का जो युद्ध चल रहा है उसका फायदा सिर्फ पूरी दुनिया में दो ही देश सबसे ज्यादा उठाएंगे, एक तो भारत दूसरा अमेरिका। और मेरे हिसाब से भारत को यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर ताइवान और चीन का तनाव बना रहेगा, क्योंकि अमेरिका भी भारत पर मेहरबान रहेगा और दूसरी तरफ चाइना को कमजोर करने का सबसे सही समय यही है, क्योंकि इस समय भारत अगर चाहे तो अपनी उन खतरनाक मिसाइलों को ताइवान को दे सकता है जो कि वाकई में चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। और भारत ऐसी एक मिसाइल बना भी रहा है। दोस्तों मैंने आज के कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भारत यहाँ पे एक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है और उस मिसाइल का नाम है प्रनास बैलिस्टिक मिसाइल। और इस मिसाइल को खास कर इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि चाइना के जितने भी दुश्मन देश हैं उनको ये मिसाइल बेची जा सके। ये पहली बात तो बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये अग्नि 6 की तरह या फिर अग्नि 5 की तरह बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर के अंदर ही होने वाली है, लेकिन विनाश ये काफी बड़े एरिया में करेगी। हालांकि अग्नि 5 अग्नि 6 के जैसा विनाश नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों फिलहाल इस मिसाइल से चाइना की कमर तोड़ी जा सकती है। और आप एक चीज जानते होंगे कि चाइना की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो ताइवान के एरिया में ही पड़ती है, उसी तरफ ही पड़ती है। अब ऐसे में भारत की तरफ चाइना की ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो इस वजह से भारत अगर ये मिसाइल ताइवान को देता है तो चाइना पर बहुत हद तक प्रेशर बढ़ाया जा सकता है और भारत को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस मिसाइल की रेंज जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि 300 किलोमीटर के अंदर है और एक काफी खतरनाक मिसाइल भी होने वाली है। हमारे देश के साइंटिस्ट इस मिसाइल को बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहे हैं और ये मिसाइल प्रहार बैलिस्टिक मिसाइल का एक अपग्रेडेड वर्जन भी होने वाला है। इसे ट्रक में माउंट करके कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, इस वजह से काफी ज्यादा अच्छी मिसाइल है और भारत इसे चाइना के सभी दुश्मन को बेचेगा भी। लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है इस मिसाइल को लेकर, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा।